अक्सर आपको अपने लाइफ में दुख सुख की बातें करना पड़ता है, यानी कभी खुशी और कभी गम के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखे कुछ खुशी वाले सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जिसे आपको किसी खुशी के मौके पर बोलना होता है या आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बोलते हैं। अगर आपको कहना हो वह हंस पड़ी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी ब्रस्ट इंटू लाफ्टर, यानी वह हंस पड़ी। अगर आपको कहना हो वह मन ही मन हंसी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी लॉफ्ड अप हर स्लीव, यानी वह मन ही मन हंसी। अगर आपको कहना हो वह अचानक हंसा या वह एकाएक हंसा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ब्रोक इंटू अ लॉफ, यानी वह एकाएक हंसा या वह अचानक से हंसा। अगर आपको कहना हो वह खूब हंसा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लॉफ्ड अ हर्टी लॉफ, यानी वह खूब हंसा। अगर आपको कहना हो वह कहा लगा कर हंस रहा था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज रोरिंग विद लॉफ्टर, यानी वह कहा लगा कर हंस रहा था। अगर आपको कहना हो वह हंसते हंसते गिर गया या वह हंसते हंसते लुढ़क गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही रोल्ड विद लॉफ्टर, यानी वह हंसते हंसते लुढ़क गया या गिर गया। अगर आपको कहना हो वह हंसकर शुक्रिया किया या वह हंसकर धन्यवाद किया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लॉफ्ड हिज थैंक्स, यानी वह हंसकर शुक्रिया किया या वह हंसकर धन्यवाद किया। अगर आपको कहना हो वह मुस्कुराकर धन्यवाद दिया या वह मुस्कुराकर शुक्रिया कहा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्माइल्ड हिज थैंक्स, यानी वह मुस्कुराकर शुक्रिया कहा या धन्यवाद कहा। अगर आपको कहना हो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर वॉज अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस, यानी उसके चेहरे पर एक मीठी या हल्की मुस्कान थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हर फेस इज रिद्ड इन स्माइल, यानी उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। अगर आपको कहना हो वह खुशियां मना रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज रिजॉइसिंग, यानी वह खुशियां मना रहा है। कई बार आपको अपने लाइफ में बोलना होता है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय, यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं हर जॉय नोज नो बाउंड्स, यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने सेंटेंस में ज्यादातर सब्जेक्ट ही या सी को चुना है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सेंटेंसेस सिर्फ ही या सी पर बोले जाएंगे। आप जरूरत के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर बात अपनी कर रहे हैं यानी बात मैं की हो रही है तो आप बोले आई, अगर बात हम की हो रही है तो आप बोले वी, या अगर बात उन लोगों की है तो आप कह दें, यानी आप अपने जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो मैं हंसी के वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट स्पीक फॉर लॉफिंग, यानी मैं हंसी के वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, यानी मुझे इतना हंसी आ रहा है कि हंसी के चलते मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कई बार आपको अपने लाइफ में कहना होता है वह ही कर रही है या वह ठीठी कर रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज गिगलिंग, यानी वह ही कर रही है। मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम बैंटरिंग, यानी मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हंसी वाले सेंटेंसेस बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ दुख यानी तकलीफ वाले सेंटेंसेस बताऊंगा कि जब आपको तकलीफ हो या दर्द हो तो आप किस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।